गाजा में हमास के ठिकानों को मलबे में बदलने की इसराइल की प्रतिज्ञा ने संयुक्त राष्ट्र की चिंता बढ़ा दी है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि सैन्य अभियान सख्ती से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 42 उम्मीदवारों के नाम है। यह लिस्ट जारी होने के बाद से ही राजस्थान में सियासी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर सभी घोषित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में जाति आधारित जनगणना और राज्य में जातीय सर्वे की मांग करते हुए बीजेपी पर हमला किया है, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जातिगत जनगणना की आड़ में आज कांग्रेस समाज को बांटने और राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। आजादी से लेकर यूपीए 2 तक के कार्यालय में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया। राहुल गांधी पहले यह बताया कि जब दशकों से कांग्रेस सत्ता में थी तो तब उन्होंने जातिगत गणना क्यों नहीं करवाई। जातिगत जनगणना का संवैधानिक अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। चुनाव आयोग ने एनसीपी के नाम और निशान पर अजित पवार गुट के दावे वाले मामले की सुनवाई की। शरद पवार गुट के वकील ने दावा किया है कि अजित की ओर से पेश दस्तावेजों में 9000 से ज्यादा गड़बड़ियां हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पास के जंगलों में और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका के चलते तलाशी अभियान जारी। सेना और पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इन आतंकियों को मौत की नींद सुलाई। भारत सरकार ने इसराइल का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने फिलिस्तीन के समर्थन के साथ युद्ध विराम की बात कही। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर स्थित मणिपुर बीते कुछ महीनों से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम प्रयासों के बाद भी यह हिंसा नहीं थमी है। मणिपुर का ये वायरल वीडियो 7 सेकंड का है। 7 सेकंड के इस वीडियो में एक व्यक्ति ने काली शर्ट पहन रखी है। इसके सिर पर भीड़ की पिटाई की वजह से चोट के निशान है और इसके शरीर के एक हिस्से को भीड़ ने जला दिया है। वह कटीले तारों के पास पड़ा हुआ है। उसके पास खड़ी भीड़ चिल्ला रही है। भीड़ के बैकग्राउंड में गोली चलने की आवाजें भी सुनी जा सकती है। मणिपुर सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस हिंसा में जिस व्यक्ति की मौत हुई वह व्यक्ति उन 2 महिलाओं के साथ था जिनको उसी भीड़ ने निर्वस्त्र कर दिया था। अगले महीने देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल चुनावी समर में उतरने को तैयार है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने अपने फैसले से सभी का दिल जीत लिया। दरअसल राशिद वर्ल्ड कप की पूरी फीस अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों के लिए दान करेंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच सुबह 10:30 से शुरू होगा, तो वही दूसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी।